हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे डिस्बर्जन, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है। उसके अंदर हम सेट ए को डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं सेट ए। लेकिन बच्चों, वही बात है कि सेट हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं मान के चलूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ऑलरेडी क्लियर हैं, तभी आपको जो ये क्वेश्चंस हैं वो समझ में आने वाले हैं। ओके, तो ये अब आपकी ड्यूटी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बैठेंगे वीडियो को देखने। चलिए शुरू करते हैं सेट ए। राइट डाउन द करेक्ट आंसर्स, ईच क्वेश्चन कैरी वन मार्क। ओके, वन मार्कर क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से क्या सही है, क्या सही है। टू डिस्ट्रीब्यूशंस में हैव आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्बर्शन, हो सकते हैं दो अलग अलग मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेट ऑफ डेटाज हो, तो क्या उनका सेंट्रल टेंडेंसी कोई भी मीन मिडिल मोड बराबर हो सकता है, हो सकता है। डिस्बर्शन बराबर हो सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब बराबर हो सकते हैं, हो सकता है सर। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव द आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्बर्शन, ये भी सही है, ऐसा हो सकता है। टू डिस्ट्रीब्यूशंस मे हैव द डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उनका अलग हो बट आइडेंटिकल मेजर ऑफ डिस्बर्शन हो उनका, यस ये भी सही है यार, कि उनका मीन डिफरेंट हो लेकिन उनके स्टैंडर्ड डेविएशन सेम हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेम हो, डिस्बर्शन से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात भी सही है, तो सारी ऑप्शन ठीक है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल द ए बी सी थ्री ऑप्शंस सभी करेक्ट हैं। ओके, द सेकंड क्वेश्चन, डिस्बर्शन मेजर्स द स्कैटरनेस। यस सर, कुछ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, थ्योरी में पढ़ चुके हैं हम लोग कि डिस्बर्शन जो है वो स्कैटरनेस को मेजर करता है, कि सभी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी से जो स्कैटर्ड हैं, जो दूरी पर हैं, जो डिफरेंसेस पे हैं, वो जो स्कैटरनेस हमें मेजर करना है वो डिस्बर्शन बताता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन तो बताता नहीं है, बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे तो बोथ्स में डील कर रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन वी कंसीडर, ओके, जब दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हम कंपेयर कर रहे हो तो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्बर्जन, ओके, रिलेटिव मेजर्स ऑफ कन्वर्जन डिस्बर्जन, ये बेटर रहता है। रिलेटिव मेजर्स जो होते हैं वो यूनिट फ्री होते हैं और कंपेरिजन करने के लिए अच्छे टूल्स हैं एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट मेजर्स। तो येस, आई विल गो फॉर द ऑप्शन बी, दैट इज रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्बर्जन इज बेटर आंसर। विच वन इज ईजियर टू कंप्यूट, रिलेटिव आसान है क्या यार, रिलेटिव आसान है कि एब्सोल्यूट आसान है, अब आप सोचो रिलेटिव आसान है कि एब्सोल्यूट आसान है, कि दोनों आसान है कि रेंज। सर सबसे अच्छा आंसर तो मुझे रेंज लग रहा है, और थ्योरी में भी आपको ये वाली चीज गिवन है कि रेंज को निकालना जो है वो सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो रेंज इज द आंसर, विच वन इज ईजियर टू कंप्यूट, रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, सबसे आसान है रेंज तो निकालना। ओके, फिफ्थ, विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्बर्शन, रेंज एब्सोल्यूट है, रेंज एब्सोल्यूट है, मीन डेविएशन वो भी एब्सोल्यूट है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी एब्सोल्यूट है, सारे ही हैं सर, ऑल दीज थ्री आर द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्बर्शन, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच मेजर ऑफ डिस्बर्शन इज मोस्ट यूजफुल, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा यूज हम किसको करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्योरी पढ़िए ध्यान से, लिखा है सबसे अच्छा डिस्बर्शन टूल जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो एक्यूरेसी बताता है, ठीक है, रिलेटिव जो टूल है रिलेटिव टूल है और सबसे अच्छा टूल है, ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन। विच मेजर ऑफ डिस्बर्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, रेंज, रेंज तो इफेक्ट पड़ेगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, मीन डेविएशन में हर नंबर यूज किया जाता है, हर वैल्यू एक्स में से एक्स बार माइनस किया जाता है तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इंपैक्ट पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी जब आप फॉर्मूला लगाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन करके जो स्क्वायर रूट करते हैं वहां भी सारी ऑब्जर्वेशन यूज होते हैं, लेकिन जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो सिर्फ और सिर्फ मिडल 50% जो आइटम्स हैं उसमें डील करता है, तो इसलिए एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का क्वार्टाइल डेविएशन में कोई लेना देना नहीं है। तो सेवंथ का ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का क्वार्टाइल डेविएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, विच मेजर ऑफ डिस्बर्शन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशंस ओनली, एब्सोल्यूट डेविएशन यानी कि मॉड्यूलस वैल्यूज में ही डील करता है ना। एक होते हैं एक्चुअल डेविएशंस, साइन का जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक होता है साइन का फर्क पड़ता है, हम मॉड्यूलस वैल्यू ले लेते हैं यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। तो ऐसा कौन सा जो है डिस्बर्शन टूल है जिसमें आप एब्सोल्यूट डेविएशंस को डील करते हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में तो आप मोड नहीं यूज करते हो, नो, मीन डेविएशन यस, क्योंकि मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा मॉड्यूलस वैल्यू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन
एन, तो यहां पर आप एब्सोल्यूट डेविएशन को लेकर चलते हो, तो बी ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, विच मेजर इज बेस्ड ऑन ओनली द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अंदर की सिर्फ मिडिल की 50% जो आइटम्स हैं उसमें कौन डील करता है? सर क्वार्टल डिवीजन होता है ना, क्वार्टल डिवीजन जो होता है वो बीच की सिर्फ 50% आइटम्स के अंदर ही डील करता है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि Q3 - Q1, बच्चों याद करिए, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं इससे पिछले प्रीवियस वीडियोस के अंदर, Q3 - Q1, Q3 75% ट्रांजैक्शंस को डील करता है, Q1 25% ट्रांजैक्शंस को डील करता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट ट्रांजैक्शंस को डील करता है? 50%। सो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। टेंथ, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ओके, मीन डेविएशन में आप क्या करते हो? सिग्मा एक्स, हर वैल्यू में से एक्स बार माइनस करते हो, ये सारी ऑब्जर्वेशन पे डील करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में आप फॉर्मूला लगाते हो तो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, ये भी सभी में डील करता है। क्वार्टल डेविएशन जो है वो सब में डील नहीं करता है ना, अभी ऊपर भी डिस्कस किया। तो जो है डी ऑप्शन क्या कहता है? ए एंड बी बट नॉट सी, यस ये ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट कि ए और बी में सभी ऑब्जर्वेशंस डील किए जाते हैं लेकिन सी में सभी ऑब्जर्वेशंस डील नहीं किए जाते। सो डी आंसर जो है वो वेरी ट्रू आंसर है, वो करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। टेंथ डी। क्वेश्चन नंबर 11, द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन मुझे नहीं पता पहली क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे कि बिलो 10, सो वी डोंट नो बिलो 10 मतलब इज इट 0 to 10 और 5 to 10, एंड द लास्ट वन सपोज है अबव 50, तो अबव 50 सर हमें नहीं पता, 50 to 60 या 50 to 55 या 50 to 70 या 50 to 100 अपने को नहीं पता, इनको ओपन एंड क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें या तो फर्स्ट एंड जो है स्टार्टिंग एंड जो है वो ओपन हो या फिर एंड वाला जो क्लास है उसमें नहीं पता हो, है ना, तो वो ओपन एंड क्लासिफिकेशन है। उसमें सबसे अच्छा जो रहता है वो क्वार्टाइल डेविएशन, अगर डिस्पर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वार्टाइल डेविएशन, और अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहां पर मीडियन सबसे अच्छा था, याद करिए पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है मीडियन, मीडियन जो है वो बीच की 50% आइटम्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो भी 75% - 25% ट्रांजेक्शन में डील करता है, तो इसीलिए क्वार्टाइल डेविएशन इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टैंडर्ड डिविएशन, अभी पढ़ा हमने इसकी थ्योरी के अंदर है सारी बात, स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे अच्छा टूल है डिस्पर्शन के मेजरमेंट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन हैज सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, तो किसकी अच्छी सी प्रॉपर्टीज हैं यार, बढ़िया सी प्रॉपर्टी हैं यार? स्टैंडर्ड डेविएशन सर सारे फीचर्स स्टैंडर्ड डेविएशन को बिलोंग करते हैं, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरी के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी रिमेन्स द सेम ओके फॉर द लास्ट 10 months, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर दीज 10 months वुड बी ऑब्वियसली 0। सर कैसे? बच्चों अगर पिछली 10 महीने के जो प्रॉफिट्स हैं वो सेम हैं, अब मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, सपोज कर लो आपके पास एक्स मैंने प्रॉफिट्स मान लिए, ठीक है, सपोज एक्स मैंने प्रॉफिट मान लिए, और जो प्रॉफिट्स हैं वो सपोज कर लीजिए कुछ ऐसा है कि मान लो कोई भी ले लो, 3 0 ओमिट कर दी मैंने, ठीक है, 15,000 और 3 0 ओमिटेड है, फिर 15,000, फिर 15,000, फिर 15,000, फिर 15,000, फिर 15,000, ऐसे पिछले 10 साल का प्रॉफिट, 10 महीने का प्रॉफिट 15,000, 15,000, 15,000 एंड सो ऑन, ये सब फिक्स है, सब सेम है, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों कि इसका मीन, यहाँ पर इसका मीन क्या आ जाएगा? सर वो भी सेम फिगर आ जाएगी 15, और अगर मैं x की हर वैल्यू में से x बार माइनस करूँ तो बच्चों वो डेविएशंस क्या रहेंगे? वो डेविएशंस रहेंगे 0 0 0 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये सभी x माइनस x बार क्या हो जाएंगे? 0। तो इन सब का सम सिग्मा x माइनस x बार वो भी क्या हो जाएगा? अभी चलो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए मैं क्या करूंगा? जब 0 आ गए तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? वो भी 0 होगा, है ना, तो x माइनस x बार होल स्क्वायर दैट विल गिव यू ऑल्सो 0, तो स्टैंडर्ड डेविएशन खुद से क्या आ जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन पूछा गया यहां पर कि इफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी रिमेन्स द सेम फॉर द लास्ट 10 months, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ दीज 10 months वुड बी 0, ऑब्वियसली 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 15,
विच मेजर ऑफ डिस्बर्शन इज कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग अ पूल्ड का मतलब होता है ग्रुप, मेजर ऑफ डिस्बर्शन आफ्टर कंबाइनिंग द सेवरल ग्रुप्स। तो यार कंबाइंड मीन डेविएशन कुछ नहीं होता, पर हाँ सर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, एन वन एस वन स्क्वायर प्लस एन टू एस टू स्क्वायर प्लस एन वन डी वन स्क्वायर प्लस एन टू डी टू स्क्वायर डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू होल स्क्वायर रूट। तो आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालते हो सर, तो 15th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अ शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन हैज नो इम्पैक्ट, अगर आप ऑरिजिन चेंज करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सर किसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता? ऑरिजिन का रेंज पे नहीं पड़ता, मीन डेविएशन पे भी नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी नहीं पड़ता है ना ऑरिजिन का इफेक्ट, तो ऑल दीज एंड ऑल्सो क्वार्टाइल डेविएशन पे भी नहीं पड़ता। तो डी ऑप्शन वेरी फाइन वेरी ट्रू कि पहले पे भी नहीं पड़ता, दूसरे पे भी नहीं पड़ता, तीसरे में नहीं पड़ता और चौथे में बोला गया इन तीनों पे नहीं पड़ता, साथ में क्वार्टाइल डेविएशन पे भी नहीं पड़ता। तो यस हमने पढ़ा है जो आपके ये सारे टूल्स हैं जो एब्सोल्यूट डेविएशंस को बताते हैं, ठीक है ना, इन सभी में आपके जो है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सभी डिस्बर्शन टूल के ऊपर ऑरिजिन का इफेक्ट नहीं पड़ता, इन सभी टूल्स के ऊपर डिस्बर्शन का स्केल का इफेक्ट पड़ता है और स्केल पर की मॉड्यूलस वैल्यू है ना, बी की मॉड्यूलस वैल्यू का इफेक्ट पड़ता है, ऐसा सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। ओके क्वेश्चन नंबर 17th, द रेंज ऑफ दिस इज, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर लो बच्चों, लार्जेस्ट आपके पास यहां पर है 20 और स्मॉलेस्ट है आपके पास यहां पर 9, तो रेंज हो जाएगा यहां पर आपके पास 11, तो 17th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो बच्चों इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के पास के लिए अपने पास फॉर्मूला है ना, तो लगाओ साहब, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। यहां पर अपने पास है बच्चों यहां पर एक्स है ना, इसकी टर्म्स देख लो, 10, 16, 10, 16, ओके 10, 16, 10, 16, उसके बाद 10, 10, 16, 16, ओके 10, 10, 16, 16, ये टर्म्स है। मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मीन चाहिए होगा सर, तो मीन अपने पास हो जाएगा यहां पर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 16 तो है बेटा 4, तो 64 तो हो गया सम इसका, प्लस 10 है 1, 2, 3, 4, 40 टोटल हो गया 104/8 है ना, तो 13 आ गया बच्चों इनका मीन, ठीक है 13 आ गया इसका मीन। तो आप करिए अगला स्टेप, x माइनस एक्स बार करिए, तो x माइनस एक्स बार करेंगे तो 10 माइनस 13 दैट इज माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 3, ओके। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? अगला स्टेप होगा सर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होगा, करिए बच्चों दैट इज 9 एंड सो ऑन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 9 तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 72, तो 72 हो गया ये। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 72 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 8, तो ये कितना हो गया 8, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन देखिए चेक करिए कहाँ है 3, ढूंढो भैया ढूंढो, ये रहा बेटा 3, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 18C। फॉर एनी टू नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज, ओके स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेंज बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेंज बच्चों, ये आपके पास इंस्टीट्यूट में प्रूव किया गया है एक इलस्ट्रेशन के अंदर। अगर आप चेक करें स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर दो नंबर्स हैं ए और बी, अगर दो नंबर्स हैं ए और बी तो उनके बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है a माइनस बी बाई टू या b माइनस ए, क्योंकि मॉड्यूलस वैल्यू है b माइनस ए बाई टू, तो b माइनस ए क्या है रेंज, तो रेंज का आधा कर दो साहब, तो वो क्या निकल के आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहीं से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, यहीं से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि उसका हाफ ऑफ रेंज होता है। ओके चलिए तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाफ ऑफ रेंज। राइट, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज बाय 10, अगर सारी ऑब्जर्वेशन 10 से बढ़ा दी जाए, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज बाय 10 देन स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी इंक्रीज बाय 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 10 से बढ़ जाएगा। मीन डेविएशन वुड बी इंक्रीज बाय 10, मीन डेविएशन 10 से बढ़ जाएगा।
नहीं भाई देखो, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 10, तो ये कौन सा इफेक्ट है? ये ओरिजिन इफेक्ट है ना। इन आप ओरिजिन चेंज करें, ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ऑल दीज थ्री रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो इफेक्ट पड़ता है वो सिर्फ सिर्फ किसका पड़ता है? स्केल का इफेक्ट पड़ता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल दीज विल रिमेन थ्री, ऑल दीज थ्री विल रिमेन सेम इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय टू, हाँ फिर ठीक है, फिर आपके सभी टू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी मल्टीप्लाइड बाय टू, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा और बाकी सभी का भी इफेक्ट पड़ता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा। लो बच्चों हमारा सेट ए कंप्लीट है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे सेट, सेट ए कंप्लीट है सॉरी, अगले वीडियो में मिलेंगे सेट बी के साथ डिस्कशन के। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।